आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर क्यों बैठी हूँ? मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। कल डॉक्टर आए थे, जांच कर गए। उन्होंने कहा कि मेरा BP लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिलता है, मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा।